बात उस खबर की कर लेते हैं जिसमें दिन भर मुद्दा गर्माता रहा, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में चर्चा कर रहे थे। इस दौरान वो मणिपुर के साथ ही कई और मुद्दे उठाए और सरकार पर निशाना साधा, लेकिन जब वो अपनी बात पूरी कर सदन से जाने लगे तो उनके एक इशारे पर संग्राम छिड़ गया। एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में न सिर्फ घमासान देखने को मिला बल्कि राहुल गांधी के तीखे प्रहार पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। राहुल गांधी ने मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर में भारत की हत्या की बात कह दी। राहुल गांधी को जवाब में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। स्मृति ने कहा कि मणिपुर की बात करने वाले कश्मीर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर चुप्पी साधकर क्यों बैठे हैं? और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। आप नहीं चाहते कश्मीरी पंडितों की दास्तान कहीं सुनाई जाए, आप नहीं चाहते वो आइडेंटिफाई हो एज विक्टिम्स। सरला भट्ट मेडिकल स्टाफ थी, 90 के दशक में उसको उसके इंस्टीट्यूट से अगवा करके गैंग रेप किया गया और सड़क के किनारे रखा गया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि एक तरफ इनकी अलायंस के लोग हिंदुस्तान को विभाजित करने की बात करते हैं, ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? जहां सदन में एक तरफ राहुल गांधी मणिपुर की महिलाओं को अपनी मां का दर्जा देते हुए नजर आए और कहा कि हिंसा में मेरी मां की हत्या की गई, वहीं जब स्मृति ईरानी ने पलटवार करना शुरू किया तो राहुल गांधी पर संसद में अभद्र आचरण का भी आरोप जड़ दिया। और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, याद सदन में देश को पता चले। संसद में राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाले फसाद पर एक नए विवाद की शुरुआत हो गई। एक बार फिर राहुल गांधी फंसते दिखे तो संसद में राहुल के आचरण पर भी। पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं, ये क्या बिहेवियर है? आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में मणिपुर की बात हुई तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को अपने पलटवार में घेर लिया, लेकिन राहुल गांधी के आचरण पर शुरू हुआ रण अब जल्दी थमता नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।